देखिए मन सुंदर सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। बेचारी रुचिता, उसको इस काले चश्मे की जरूरत पड़ने वाली है। बेचारी अंधी जो होने वाली है, लेकिन उसके अंधेपन का फायदा अब मुझे उठाना पड़ेगा, लेकिन ऐसे जिससे मुझे दुगना फायदा हो। इन लोगों को क्या लगता है, पापा के आते ही ये घर की दीवार गिर जाएगी? ऐसा मैं बिल्कुल होने नहीं दूंगी। कौन है? कोई तो था, कुछ सामान गिरने की आवाज आई थी, शायद बिल्ली होगी। पर मैंने ब्लू रंग का कुछ कोई कपड़ा भी देखा था। खैर बाद में देखती हूँ, अभी कॉफी बना लेती हूँ, नहीं तो निहार जी गुस्सा करेंगे। रुचिता, तुम चूल्हे पर कॉफी क्यों बना रही हो? वो निहार जी, वो किचन में गैस खत्म हो गई है, सिलेंडर मंगवाया है, वो आता ही होगा। लाओ कॉफी तो टेस्ट कराओ। जी। वाओ रुचिता, तुम कॉफी चूल्हे पर बनाओ या गैस पे, तुम्हारे हाथों के जादू की बात ही अलग है। जादू तो मेरे नशे वाले पाउडर का चढ़ेगा निहार भैया, जो अभी मैंने तुम्हारी कॉफी पाउडर में मिलाया था। रुचिता जी, ये घर में दीवार क्यों? वो सर, घर में मरम्मत चल रही है ना, इसलिए ये दीवार खड़ी है। थोड़े दिन में सब सही हो जाएगा और ये दीवार भी टूट जाएगी। इस बंटवारे की वजह से कहीं ये डील हाथ से चली जाए। चाय लीजिए आप। रुचिता जी, चाय नीचे गिर जाएगी। बस सॉरी। इस बंटवारे की वजह से ये डील हाथ से जाए न जाए, लेकिन इस रुचिता की वजह से जरूर ये डील हाथ से चली जाएगी। हे भगवान, निहार आ जाए जल्दी से। बस मिस्टर निहार। हेलो। चोपड़ा साहब, कैसे हैं आप? हेलो गुप्ता साहब, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, उस पाउडर का असर अब शुरू हो गया है। मिस्टर निहार, आप ठीक तो हैं? ऑफ कोर्स। जी, क्या हो रहा है? आप लोग बैठिए ना, प्लीज। रुचिता, रुचिता, मेहमान आए हैं, चाय दो इन्हें। जी। मिस्टर निहार, हम आपकी कंपनी के साथ इसलिए डील कर रहे हैं क्योंकि हमारा ब्रांड परिवार वालों को ज्यादा टारगेट करता है, और हमारा मानना है कि जिस परिवार में प्यार हो, एकता हो, वहाँ बिजनेस में मुनाफा ही मुनाफा होता है।
और आपकी फैमिली की एकता के चर्चे तो पूरी इंडस्ट्री में मशहूर हैं। मिस्टर निहार, ये क्या बदतमीजी है? सॉरी सॉरी मैं सॉरी 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 मुझे मुझे माफ कर दीजिए। पर मैं क्या करता? आपने जो किया ऐसा मारा कि मेरी हंसी कंट्रोल नहीं हुई। एक पॉइंट के बाद जिंदगी में सबको पैसा दिखता है, पैसा। अब आप बड़ा ना भैया, देखो सबसे बड़ा रुपया। तोड़ दूंगा ये दीवार। शराब पी कर आया, ऊपर से झूठ बोल रहे हो। मैंने शराब नहीं पी है पापा। चोपड़ा जी, गुप्ता जी, पापा जी, मैं माफी चाहता हूं। हम ये मीटिंग फिर कभी कर लेंगे। यार ने दुनिया वालों के सामने हमारे परिवार का तमाशा बना दिया। ये चाहता तो खुद को संभाल कर अपने कमरे में जा सकता था, लेकिन नहीं, इसने तो सबके सामने हंगामा करना जरूरी समझा। पापा, हम मैं नशे में नहीं हूं। तो शराब पी कर आया, ऊपर से झूठ बोल रहे हो। मैंने शराब नहीं पी है पापा। अपनी गलती पर पछताने की बजाय उल्टा सवाल लगा रहे हो तुम मुझसे। जिस इज्जत की तुमने दो पल में धज्जियां उड़ा के रख दी, उसे कमाने के लिए मैंने अपनी सांसें दी है निहार। लेकिन तुम नहीं समझोगे निहार, क्योंकि तुम्हें किसी चीज की कदर ही नहीं। अभी भी वक्त है निहार, सुधर जाओ इससे पहले कि मैं कोई कड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर हो जाऊं। मैंने शराब नहीं पी है पापा। मैंने शराब नहीं पी बाप। मुझे पता है आप, आपने नहीं पी। उठ उठ जाइए। रुचिता, मैंने शराब नहीं पी। पापा को मुझ पर भरोसा ही नहीं, वो मुझसे प्यार ही नहीं करते। ऐसा नहीं है निहार जी, आप कमरे में चलिए।